कहा मेरा दिल दुखता है जब नौजवानों के साथ उत्पीड़न होता है, जो पहलवान धरने पर बैठे थे दिनों तक, वो उस पर कार्रवाई सरकार कतरा रही करने में, जब पूरे देश के लोग चाहते हैं, जो हमारे लिए मेडल जीत कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे खिलाड़ी जिनका हमने जिनका नाम रोशन हुआ देश का उनकी वजह से, आज वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार संकोच कर रही है काम करने में, तो ये तो उनकी जिद का प्रतीक है। और नौजवान कहीं पर भी हों, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसको अगर दुख होता है तो हम सबको दुख होता है जब प्रदेश में पर्चे लीक होते हैं या करप्शन के इशू सामने आते हैं या पेपर कैंसिल होते हैं या नौकरियां नहीं लग पाती हैं, तो हम सबको दुख होता है। तो हमको व्यवस्था सुधारने के लिए सबको मिलकर काम करना। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, कल अपने भाषण में मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कह ले, कर्नाटक में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और वहाँ पर भी इशू क्या है, वहाँ पर भी इशू करप्शन का है ना। कर्नाटक में जो भाजपा सरकार है भाजपा की, उस पर 40% करप्शन कमीशन का आरोप हम लोग लगा रहे हैं और लोग उस बात को यकीन उसका कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में भी जो भाजपा के शासन में करप्शन हुआ था उसको उजागर करने का समय आ गया है और हम लोगों को पुख्ता उसकी जो हमने खुद अपने मुँह से कमिटमेंट किया है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। सर वहाँ तो सरकार बन रही है लेकिन यहाँ बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के अंदर कुछ विधायक है, काफ़ी विधायक है, मंत्री है, वो चुनाव आ रहे हैं। मैंने डेढ़ साल से चिट्ठियाँ लिखी थी और उस समय के कार्यकाल में जो घपले आरोप हमने लगाए थे उस पर पुख्ता कार्रवाई के लिए मैंने आग्रह किया था। उसके बाद मैंने एक दिन का अनशन भी किया जयपुर के अंदर 11 अप्रैल को। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में विश्वास रहे कि हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मिलीभगत है, बेवजह लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं, कभी दूध कभी नींबू कभी पानी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी, क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर आए। सर लगता है कांग्रेस आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, इन सब चीज़ों को लेकर अनशन जिस बात को लेकर किया, जनता की बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।